चारधाम यात्रा को धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो देश के चार कोनों में स्थित चार धामों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो उत्तराखंड की छोटी चार धाम यात्रा करके पुण्य को प्राप्त करते हैं। ये सिलसिला शुरू कैसे होता है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। चारधाम यात्रा को पुण्य की यात्रा कहा गया है। कहते हैं गिरते पड़ते जिसने भी चार धामों के दर्शन कर लिए वो तर गया, यानी उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यही वजह है अनादिकाल से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चारधाम यात्रा पर जाते रहे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है, इसे छोटी चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। कहते हैं जिनमें बड़ी चारधाम यात्रा यानी देश के चार कोनों में स्थापित चार धामों की यात्रा का सामर्थ्य नहीं है, वो छोटी चार धाम यात्रा से पुण्य कमा सकते हैं। उन्हें छोटी चार धाम यात्रा से ही बड़ी चार धाम यात्रा का पुण्य मिल जाता है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, जहां सबसे पहले श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद आगे की यात्रा पर निकलते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु सबसे पहले यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं, जहां उन्हें यमुना जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं यमुना जी सूर्य की पुत्री और यम की बहन हैं। उनकी दिव्य शिला के दर्शन और स्नान से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। कहते हैं पतित पावनी माँ गंगी का अवतरण धरती में कल्याण के लिए हुआ। गंगोत्री में उनकी दिव्य शिला के दर्शन और स्नान से श्रद्धालु अपने और अपने पुरखों के पुण्य में वृद्धि करते हैं। इसके बाद तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम है। कहते हैं यहाँ भोले के दर्शनों से भक्त शिवमय हो जाते हैं और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ वहाँ प्रवास कर रहे हैं, और जब द्वापर पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए हिमालय पर भटक रहे थे, तब स्वयं भगवान केदारनाथ ने पांडवों को दर्शन देकर गोत्र हत्या के पाप से मुक्त किया। चारधाम यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। कहते हैं यहाँ कभी स्वयं नारायण भक्तों को दर्शन देते थे, लेकिन जब धरती में पाप बढ़ा तो अदृश्य हो गए। तब नारद जी ने उनका विग्रह स्थापित किया और मर्यादाएं स्थापित की। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने इस मर्यादा को अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान पुनर्स्थापित किया, और तब से बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपने पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।